नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ CAA NRC NPR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वाले AMU के पूर्व छात्र नेता को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश। 15 दिसंबर को AMU में हुए उपद्रव और हिंसक घटनाओं को भड़काने का मुख्य आरोपी AMU का पूर्व छात्र सरजील उस्मानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ की ATS टीम ने इसको पूर्वांचल से गिरफ्तार किया। इसके बाद आज सरजील को अलीगढ़ लाया गया और उसको कोर्ट में ले जाकर पेश करके जेल भेज दिया गया है। दरअसल सरजील के खिलाफ CAA और NRC के विरोध के प्रदर्शन में छात्रों को भड़काने, भड़काऊ भाषण देकर शहर का माहौल खराब करने, बवाल कराने सहित कई संगीन धाराओं में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अलीगढ़ पुलिस सहित प्रदेश की पुलिस इसको कई दिनों ढूंढ रही थी। कल ASP को सूचना मिली कि वह पूर्वांचल में किसी स्थान पर है। इसके बाद टीम ने उसको घर दबोचा। सरजील की गिरफ्तारी से AMU में हुई हिंसक वारदात के खुलासे में मदद मिलेगी। इसी सरजील पर JNU के छात्र सरजील उस्मानी को बुलाने का भी आरोप है। इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर की रात 8 बजे के करीब 1200 छात्र व बाहरी युवकों की भीड़ ने पहले AMU के बाबे सैयद फिर पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा और पुलिस पर हमलावर हुए। अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी देर समझाने पर भी छात्र नहीं माने और लगातार पथराव करते रहे, जिसके बाद जबरन पुलिस को आंसू गैस छोड़कर करीब 3 घंटे में स्थिति को नियंत्रण करने में लग गया। कैंपस के अंदर भी पुलिस को जाना पड़ा। अब सरजील की गिरफ्तारी के बाद उस केस में अहम भूमिका निकल कर सामने आएगी। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।